अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं एवन टीवी चैनल हेड अनिल लूढ़ा जी। जी अनिल जी, बताइए कि क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, किस तरह से विपक्ष देखेगा इसे, जिस तरह से एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का ये बड़ा ऐलान किया गया है जेपी नड्डा की ओर से प्रेस वार्ता में? देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें, हमने आज के एक महीने पहले कह दिया था कि राष्ट्रपति हिंदीवासी प्रदेश से आएगा और उपराष्ट्रपति हिंदीवादी प्रदेश से आएगा। ये भी हमने एक बार स्पष्ट कर दिया था कि चुनाव वाले प्रदेश से ही उपराष्ट्रपति का चयन होगा, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश दो स्टेट्स की बात थी। मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार लाना चाहती है। जगदीप धनखड़ को रिवार्ड दिया जाना था, बंगाल में उन्होंने भाजपा के अनुसार, केंद्र सरकार के अनुसार बहुत अच्छा काम किया और उसका उनको एक सूटेबल रिवार्ड मिलना था, जो दिया जा रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बार ऐसा होगा देश के इतिहास में जब दोनों सदनों का सभापति या पीठासीन अधिकारी जी, लोकसभा का ओम बिरला और राज्यसभा के जगदीप धनखड़ पदेन उपराष्ट्रपति होने के कारण दोनों राजस्थान से होंगे। ये राजस्थान के लिए परम सौभाग्य की बात होगी और इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी सभापति राजस्थान से होंगे, एक स्टेट के। दूसरी बात ये, राजस्थान की जाट कम्युनिटी बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकली वाइब्रेंट कम्युनिटी है जी। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना के भाजपा ने इतनी बड़ी लार्जर कम्युनिटी पर एक तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की। आमतौर पर किसान कम्युनिटी है और ये कांग्रेस के साथ जाती है या भाजपा के साथ बहुत कम जाती है जी, कभी कभी जाती है अपवाद स्वरूप परिस्थिति विशेष होती है तो। इसलिए ये भाजपा का अगले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। ये जरूर है कि अभी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, वो भी जाट है जी। ये हो सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बदले, इस बात की भी संभावना जताई जा रही है जी, कि एक बड़े जाट को उपराष्ट्रपति बना के और सतीश पूनिया को कुछ और जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी प्रमुख बात ये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए दूसरी बार ये मौका आएगा जब राजस्थान को का की धरती का सपूत उपराष्ट्रपति बनेगा। पहले भैरव सिंह शेखावत बने थे जो राजपूत थे, अब जगदीप धनखड़ बनेंगे, वो जाट हैं और ये दोनों कम्युनिटी अगर बीजेपी के साथ हो जाती है तो बीजेपी की बहुत साउंड पोजीशन होती है अगले विधानसभा चुनाव में। इसलिए दूसरी बार मौका मिल रहा है राजस्थान को एक उपराष्ट्रपति देने का और पहली बार मौका मिल रहा है दोनों सदनों का सभापति देने का जी। अनिल जी, अगर ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से अब देखेगा इस चीज को, क्योंकि जेपी नड्डा द्वारा ही प्रेस वार्ता में एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ऑपोजिशन कोई कैंडिडेट खड़ा करे और ना करे दोनों बातें संभव है, क्योंकि जगदीप धनखड़ के कांग्रेस में भी बड़े अच्छे रिश्ते हैं, कभी वो कांग्रेस में भी रहे हैं, किशनगढ़ अजमेर जिले के किशनगढ़ से एमएलए रहे कांग्रेस के, वो अजमेर से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पे जो हार गए थे, और पहले झुंझुनू के सांसद रहे थे देवीलाल जी के समय जब देवीलाल प्रधानमंत्री थे, और ये केंद्रीय वित्त उपमंत्री रहे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर्स में से एक है और जबरदस्त कानून के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। तो एक कानून के बड़े जबरदस्त जानकार को, एक पॉलिटिकली डैशिंग पर्सनैलिटी को, राजस्थान की बहुत बड़ी लार्जर पॉलिटिकली अवेयरनेस रखने वाली जाट कम्युनिटी को जी, और राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश को भाजपा ने एक तरह से बड़ा तोहफा दिया है अपनी ओर से जी। अनिल जी, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए